पुलिस मुख्यालय की सख्ती। जी हां, विजिलेंस जांच के बाद अशोक नगर एसएचओ राजवीर सिंह को सस्पेंड किया गया है। पुलिस की मिलीभगत से आधी रात बाद क्लब चल रहे थे और पुलिस ने जांच में एसीबी की भूमिका को भी संदिग्ध माना है। एसीपी राजेंद्र यादव रावत को एपीओ किया गया है। बड़ी खबर, पुलिस की मिलीभगत से आधी रात के बाद क्लब चल रहे थे, एसीपी की मिलीभगत की भी जब सामने आ रहा है संदिग्ध है भूमिका, एपीओ किया गया है और अशोक नगर एसएचओ राजवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। तो पुलिस मुख्यालय की यह सख्ती, जिसके बाद विजिलेंस जांच के बाद अशोक नगर एसएचओ राजवीर सिंह सस्पेंड हुए हैं। इसके अलावा एसीपी की भूमिका संदिग्ध थी, एसीपी राजेंद्र रावत को एपीओ कर दिया गया है। सहयोगी ओम प्रकाश फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, एसीपी राजेंद्र रावत को एपीओ, अशोक नगर एसएचओ राजवीर सिंह को सस्पेंड किया है विजिलेंस जांच के बाद। जी जी, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पिछले दिनों नाइट क्लब पर ऊपर कार्रवाई के लिए आदेश दिए थे कि ये देर रात तक नहीं चलने चाहिए, उसके बाद में भी देर रात तक ये नाइट क्लब चल रहे हैं। इसके उपरांत पिछले दिनों विजिलेंस शाखा ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, उसमें अशोक नगर इलाके में नाइट क्लब चल रहे थे, उस मामले में एसीपी राजेंद्र रावत को एपीओ किया है और एसएचओ राजवीर सिंह को सस्पेंड किया है। तो ओम प्रकाश, ऐसा माना जाए कि आने वाले दिनों में जो अलग अलग और थाने इलाके हैं वहां के भी अब अधिकारियों को सतर्क हो जाना चाहिए। जी जी, देर रात तक चलने से आपराधिक वारदातें हो रही है और कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, तो ऐसे में सभी एसएचओ को कार्रवाई करने के लिए सख्त आदेश हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस मुख्यालय ने एक मैसेज दे दिया है, ये कार्रवाई करते हुए सख्ती दिखा दी है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाइयां एसएचओ एसीपी या तमाम बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जी, खुद डीजीपी ने आदेश दिए हैं सभी डीसीपी को और कमिश्नर को जी कि ऐसे जहां पे भी नाइट क्लब चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी ओम प्रकाश शर्मा ये हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे।